हेलो दोस्तों, वेलकम टू HD वॉलपेपर्स। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो दोस्तों, लोक कथाओं की अगर माने तो लोक कथाओं के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में राधा ने अपना घर छोड़ दिया था और कृष्ण से मिलने द्वारिका चली गई थी। जब आखिरकार ये दोनों मिले तो दोनों ने एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहा। दोनों ही एक दूसरे की मन की बात जानते थे, लेकिन राधा को लगा कि कृष्ण से करीब रहना उस तरह का सुख नहीं दे रहा है जिस तरह उन्हें तब लगता था जब वो कृष्ण से जुड़ी हुई थी। ऐसे में राधा बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले महल छोड़कर चली गई। लोक कथाओं के अनुसार ये बताया जाता है कि अंतिम क्षणों में कृष्ण ने राधा की अंतिम इच्छा पूरी करते हुए सबसे मधुर बांसुरी की धुन सुनाई थी। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। कृष्ण भगवान वैसे तो भगवान थे, लेकिन राधा रानी के प्राण त्याग करने के बाद वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे और दुखी होकर उन्होंने अपनी बांसुरी तोड़ दी और कोसों दूर फेंक दी। जिस जगह पर राधा रानी ने कृष्ण जी का इंतजार किया था उसे आज राधा रानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ही राधा जी कृष्ण में विलीन हो गए थे। किसी भी पुराण में राधा जी की मृत्यु का वर्णन नहीं मिलता है। ये मृत्यु की जितनी भी कहानियां हैं, ये लोक कथाएं हैं, जो काफी लंबे समय से प्रचलित है। पुराणों में इसके विषय में कुछ भी वर्णित नहीं है। बाकी दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी और ये वॉलपेपर आपको अच्छे लगे होंगे। जो भी वॉलपेपर आपको अच्छा लगे, आपको एक काम करना है कि इस वीडियो की क्वालिटी को HD कर लेना है, उसके बाद अपने फोन की ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है और जो भी वॉलपेपर अच्छा लगे उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने मोबाइल में वॉलपेपर या फिर DP लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आपको दोबारा मिलूंगा इसी चैनल पर किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सेफ हूँ दोस्तों।